सोनोग्राफी मशीन की सुविधा तो मिली लेकिन फिलहाल लाभ नहीं। विधायक के वादे को पलीता लगा रहे डॉक्टर। सिविल अस्पताल को भले ही सोनोग्राफी मशीन की सुविधा मिल गई हो लेकिन क्षेत्र की जनता को लाभ फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। बड़ा मलहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने के बाद 50 बिस्तर के अस्पताल भवन का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है, जिसके लिए क्षेत्रीय विधायक की पहल पर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन भी उपलब्ध करा दी गई है। मगर जिस उद्देश्य को लेकर सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराई गई है वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उसकी खास वजह एक तो सोनोलॉजिस्ट रेडियोग्राफर उक्त मशीन को ऑपरेट करने के लिए नहीं मिला है, दूसरा ये है कि यहाँ पदस्थ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेखा खरे सोनोग्राफी मशीन अच्छी तरह से ऑपरेट तो कर लेती हैं लेकिन वे मुख्यालय पर आती ही नहीं हैं। भले ही नियम अनुसार डॉक्टर सुरेखा खरे को सोनोग्राफी मशीन ऑपरेट करने की शासन से मान्यता नहीं हो लेकिन दक्ष होने के कारण यदि वे प्रतिदिन अस्पताल की ओपीडी में मरीज देखें तो गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ अवश्य मिल सकता है। उद्घाटन में विधायक ने महिला को लाभ दिलाने का किया था वादा। गौरतलब है कि पिछले दिनों अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन के लोकार्पण समारोह के मौके पर क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेखा खरे के माध्यम से प्रतिदिन गर्भवती महिलाओं को इस सुविधा का लाभ दिलाने का वादा किया था। जिस आत्मविश्वास और बेहद संजीदगी से क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उन्नयन हुए सिविल अस्पताल को सोनोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई है उससे ठीक विपरीत यहाँ पदस्थ चिकित्सक न सिर्फ गरीब मरीजों के हकों को दरकिनार कर रहे हैं बल्कि क्षेत्रीय विधायक के वादे और सुविधा को पलीता लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। सिर्फ एक दिन मिला सुविधा का लाभ। गौरतलब तो ये भी है कि जिस दिन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण समारोह हुआ केवल उसी दिन चिन्हित गर्भवती महिलाओं को इस मशीन का लाभ मिल पाया। डॉक्टर सुरेखा खरे ने गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी मशीन से जांच की थी। यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि जब एक दिन डॉक्टर सुरेखा खरे सोनोग्राफी ऑपरेट कर महिलाओं की जांच कर सकती हैं तो ये नियम रोजाना लागू क्यों नहीं। इस संबंध में मुझे आपके द्वारा ही इस तरह की जानकारी दी गई है। वैसे इस संबंध में पीएमओ को अवगत कराना चाहिए था जो उन्होंने नहीं कराया। इस बात को मैं गंभीरता से लेकर क्षेत्र की बहनों के लिए सुविधा का लाभ दिलाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल सोनोग्राफी की सुविधा का लाभ मिल पाना संभव नहीं है। उसकी खास वजह है कि यहाँ कोई सोनोलॉजिस्ट रेडियोग्राफर पदस्थ नहीं है। मैंने इस संबंध में सीएमएचओ को लिखा है जब तक सोनोलॉजिस्ट रेडियोग्राफर नहीं मिलेगा तब तक इस सुविधा का लाभ मिलना मुमकिन नहीं है। निःशुल्क अपना इलाज कराएं, सोनोग्राफी कराएं, यही मैं कहना चाहूँगा। अभी यहाँ पर कुल 3 डॉक्टर हैं, 2 स्पेशलिस्ट हैं, 2 3 डॉक्टर 2 स्पेशलिस्ट हैं, महिला डॉक्टर भी है। और भी जो जरूरत पड़ेगी जरूरत के हिसाब से हम वहाँ डॉक्टर लाने का प्रयास करेंगे। आप देख भी रहे हैं बाजू में सिविल अस्पताल बड़ा 50 बिस्तर का अस्पताल लगातार बन रहा है, निर्माण कार्य चालू है। जैसे ही बन जाएगा तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की होगी वो हम पूरी करेंगे। सोनोग्राफी मशीन का लाभ लोगों को प्रतिदिन मिलेगा कि कभी कभार मिलेगा? प्रतिदिन मिलेगा और अभी जैसा मांग की गई कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाए उसके लिए, तो अभी हमारे जिले में शायद एक ही डॉक्टर हैं जिनकी हम सब सप्ताह में एक आध बार ड्यूटी लगाएंगे। मौका लगेगा यदि और भी डॉक्टर यहाँ स्पेशलिस्ट आ जाएंगे तो हम पूरा का पूरा यही। अभी सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ कितने पदस्थ हैं? अभी सिविल अस्पताल में 3 विशेषज्ञ, 3 विशेषज्ञ हैं और 2 या 3 डॉक्टर। लेकिन शिकायत है कि लोगों को इन विशेषज्ञों की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। अब शिकायत तो बहुत सी आती है, पहले तो एक भी डॉक्टर नहीं था। नहीं, विशेषज्ञ डॉक्टर है, विशेषज्ञ भी है, लगातार बैठते हैं ओपीडी में बैठते हैं और यदि किसी प्रकार की उनको परेशानी है तो बिल्कुल बाजू में मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं। विशेषज्ञ यहाँ आते ही नहीं है? ऐसा नहीं है, विशेषज्ञ नहीं आते होंगे तो आप एक आध बार फोटो उतार के भेजिए, आप लोग शिकायत करिए, हम कार्रवाई करेंगे। बच्चों के विशेषज्ञ पिछले कई सालों से पदस्थ हैं, कभी कभार ही उनका आना होता है। गायनेकोलॉजिस्ट कई महीनों से पदस्थ हैं, लोगों को आज पता चला कि वो यहाँ पदस्थ हैं। अब निश्चित रूप से अब लोगों को जब देखेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, लोग देखेंगे नहीं विधायक यहाँ रहता है तो क्या है। अब विधायक भी यहाँ रहता है, डॉक्टर भी यहाँ रहते हैं, अब आप आए पता लगाए, जब आपको जब आप नहीं आएंगे तो कैसे पता लगेगा बीमार होगा। इस संबंध में कई बार पीएमओ महोदय को अवगत भी कराया गया, मेरे पास ही पीएमओ साहब खड़े हैं और पूरी जानकारी वो दे रहे हैं।
नर्सिंग होम जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।